सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल शालिनीज किचन को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें और देखें मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही क्रिस्पी से बनने वाली डोसा की रेसिपी, जो कि समा के चावल से बनेगी। और ये व्रत स्पेशल है, आप इस नवरात्रि मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। इस डोसा की रेसिपी को बनाने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत होगी। इंग्रेडिएंट लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया है, आप चाहें तो वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ मैंने समा के चावल को 5 से 6 घंटे पहले पानी में भिंगो के रखा था। चावल बहुत ही अच्छे से फूल गई है और नवरात्रि में हम यूजुअली समा के चावल को ही यूज करते हैं। आप जो भी चावल यूज करते हो उसे 5 से 6 घंटे पानी में भिंगो के रखें। चावल बहुत ही अच्छे से फूल गई है, तो चलिए अब हम इन्हें बहुत ही बारीक पीस लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार ली है, जिसमें मैं चावल के साथ पानी को भी ऐड कर दिया है मैंने। और अब मैं डाल रही हूँ उबली हुई आलू। इसे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। ये देखिए, मैंने बहुत ही बारीक इसे पीस लिया है और जार में मैंने थोड़ी पानी ऐड की है और अच्छे से मिक्स करके इस बोल में डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे। सीजनिंग में मैं ऐड कर रही हूँ अदरक, हरी मिर्च और बारीक कटी धनिया पत्ती। साथ में ऐड कर रही हूँ सेंधा नमक, जीरा भी ऐड कर दीजिए। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये रही इसकी कंसिस्टेंसी, थोड़ी थिन कंसिस्टेंसी की है, हमें ऐसी ही तैयार करनी है, तो आप भी बिल्कुल ऐसी ही रेडी कर लीजिए। यहाँ मैंने डोसा तवा लिया है। ऑयल से ग्रीस करने के बाद आप बैटर को डोसा पैन के किनारों पे पहले डालें, क्योंकि सेंटर में ये ज़्यादा गर्म होती है और साइड्स इसकी कम गर्म होती है, तो सेंटर में हम बाद में ऐड करेंगे, जिससे डोसा जो है वो जलेगी नहीं और इवनली कुक होगी। तो इस तरीके से बैटर को पूरे पैन में स्प्रेड कर दीजिए। ढक के हम इसे मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 1 मिनट हो गए दोस्तों, तो अब बिना ढके हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छी सुनहरी कलर की हो जाए तब तक कुक कर लेंगे। 3 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हम इन्हें फ्लिप कर लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया कलर आई है, बहुत ही क्रिस्पी ये बन के तैयार हुई है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही बढ़िया रेडिश कलर आई है। तो दूसरी साइड से भी हम इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे और हमारी ये टेस्टी सी कुरकुरी डोसा बनके तैयार है। तो अब मैं इन्हें निकाल ले रही हूँ। सेम प्रोसेस को अपनाते हुए आप डोसा बना के रेडी कर लीजिए और आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो। मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।